यहाँ पर सीजीएल 2022 के रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक ये पीडीएफ और ये नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बट इसके अंदर मुझे एक चीज़ लग रही है कि यहाँ पर ये सीपीटी की कट ऑफ आपको दे दी गई है। एससी के लिए 27 है, एसटी के लिए 24 है, ओबीसी के लिए 33 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 33 है, ओएच के लिए 20 है, एचएच के लिए 20 है और वीएच के लिए भी 20 है और पीडब्ल्यूडी और अदर्स के लिए 20 है और यूआर के लिए 36 कट ऑफ दी गई है। ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है और पता नहीं ये नोटिस सही है या गलत है। और उसके लिए यहाँ पर आगे आपके लिए डीएसटी के लिए भी यहाँ पर कट ऑफ बता दी गई है 7%, 7%, 7%, ओएच के लिए 10 है और यूआर के लिए 5% है। तो ये कट ऑफ वायरल हो रही है। अभी अगर आप लोग साइट के ऊपर चेक करेंगे तो वहां पर आपको इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये नोटिस फेक हो और हो सकता है ये नोटिस सही भी हो, हटाने डालने के बाद हटा लिया गया हो, बट कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो आपको अभी ट्रस्ट नहीं करना है, मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी अपने मिशन मोड में है, मतलब कि सारे के सारे जो काम हैं टाइम पर हो रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन, सीएचएसएल 2022 का टीयर वन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, बात करने वाले हैं सीजीएल मेंस 2022 का जो रिजल्ट है फाइनल कब तक आ सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ और आपको साथ में बताने वाला हूँ कि सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आपका एग्जाम टीयर वन का कब तक होने वाला है, साथ में आपके पैटर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेंज हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा 247 आपके लिए यहाँ पर लेकर आया है सीएचएसएल का यहाँ पर टीयर वन और टीयर टू 2023 के लिए कंप्लीट बैच, जिसका नाम है एकलव्य बैच और ये आपका फाइनल सिलेक्शन तक आपका ये बैच जो है काम करेगा और इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसको ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर वो भी बता देता हूँ। अड्डा 247 के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना और आप लोगों को यहाँ पर नीचे स्टोर के ऊपर आना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आने वाला है, यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल को सिलेक्ट करना और आपको यहाँ पर एकलव्य बैच मिल जाएगा। इस बैच के अंदर आप लोग मेरा कोड लगाएंगे तो आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में एक और अच्छी बात बता दूं कि अगर आप लोग इनके एप्लीकेशन को डेली यूज करते हो तो आपको यहाँ पर ये कॉइन्स दिए जाते हैं, इनको भी आप लोग यहाँ पर रिडीम कर सकते हो। तो आप देख लेना, अभी आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच के अंदर आप लोगों को 700 घंटे की लाइव क्लास मिलने वाली है, 152 मॉक टेस्ट मिलने वाले, बहुत अच्छी बात है। सैटरडे को आपके डाउट्स कवर किए जाएंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बैच को परचेज करने के लिए जैसे मेरे पास कॉइन्स मिले हुए हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और मेरा कोड अगर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे EAP77 तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर जो फाइनल प्राइस बनती है वो बनती है आपकी 879, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। आपको यहाँ पर जो वैलिडिटी है 12 महीने की मिलने वाली है। क्लास की टाइम जो है 8 से 9 आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे आप लोग इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सीएचएसएल टीयर वन का रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है 2022 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डेट जो मेंशन किया है यहाँ पर बिफोर 21 मई 2023, 99% आपके चांसेस हैं कि रिजल्ट आप लोगों का 21 मई से पहले पहले आपका आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है क्योंकि एसएससी का ये ट्रेंड रहा है 55 से लेकर 60 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देते हैं। तो 21 मार्च को आपका पेपर समाप्त हुआ था आपका सीएचएसएल टीयर वन का, तो रिजल्ट भी आप लोगों का 21 मई तक आ सकता है। आगे बात करते हैं कि सीएचएसएल टीयर टू एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सीजीएल टीयर वन का रिजल्ट आपका 9 फरवरी को आया था और सीजीएल टीयर टू का जो एग्जाम था वो आपका 2 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में कंडक्ट करवाया गया था, यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं कि 1 महीने का समय लगा सिर्फ। अगर रिजल्ट आप लोगों का यहां पर 21 मई को आ जाता है तो आपका जो एग्जाम है टीयर टू का वो भी आपका 21 जून से लेकर लास्ट जून के बीच में आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है। बात कर लेते हैं कि सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन आप कब तक आ सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल कैलेंडर इनका जारी किया गया था जिसके अंदर आपको डेट भी दी गई थी 2023 के लिए। ये डेट दी गई थी 9 मई 2023 यानी कि आज का, और यहाँ पर आपकी जो कंडक्ट एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपका जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में करवाया जाएगा। साथ में एक नोटिफिकेशन ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से कल ही आया था जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसी हफ्ते आ सकती है सीएचएसएल 2023 की भर्ती, यानी कि आज 9 तारीख हो चुकी है। अभी तो फिलहाल आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कल या परसों तक आपका जो नोटिफिकेशन है डेफिनेटली आपके सामने आ जाएगा। 12 मई से पहले पहले आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इस एग्जाम के अंदर आप सभी लोगों बता दूं कि पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न यहां पर आपका टीयर वन और टीयर टू दो एग्जाम आपके यहां पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। पैटर्न आपका टीयर वन के अंदर जो एग्जाम होता है आप लोगों का यहां पर इंग्लिश और ये आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी रीजनिंग होती है, उसके बाद आपका यहां पर मैथ होता है और उसके बाद आपका यहां पर जनरल अवेयरनेस या जीएस आप जिसको कहते हैं। तो 25-25 आपके यहां पर जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 50-50 नंबर के ये यहां पर आपके सवाल होते हैं, मतलब टीयर वन आपका जो है 200 नंबर का यहां पर कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आपका जो एग्जाम होता है वो होता है टीयर टू का, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो लिखा हुआ है जिसके अंदर सेक्शन वन होता है आपका पहला और सेक्शन टू होता है, जिसके अंदर आपका अगर हम बात करते हैं सेक्शन वन के अंदर तो इसमें आपके मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 30-30 और मार्क्स होते हैं आपके यहाँ पर टोटल 180, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है 0.5 की, है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर होती है। इसके बाद आपका सेक्शन टू के अंदर मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू होता है, इसमें आपका इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है। सेक्शन थ्री मॉड्यूल वन के अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज आपका कंप्यूटर का पेपर होता है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और 45 नंबर का ये आपका पेपर होता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट आपका इसके अंदर भी कंडक्ट कराया जाता है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि
टाइपिंग टेस्ट आपके लिए यहाँ पर दो पोस्ट के लिए होता है, LDC और JSA के लिए, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपकी जो स्पीड है, अगर आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं टाइपिंग तो 35 वर्ड पर मिनट होती है, हिंदी में करना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, और 9000 की डिप्रेशन आपके पर आर रिस्पेक्टिवली यहाँ पर आपके करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं कि CHSL Tier 1 का रिजल्ट, मैंने आपको ये चीज़, इसके बाद बात कर लेते हैं CGL मेंस रिजल्ट आपका 2022 का कब तक आ सकता है, तो ये भी आपका मिड मे में एक्सपेक्टेड है 2023 के अंदर, है ना, यहाँ पर मैंने डेट भी मेंशन की हुई है। और फाइनल जो आपकी पोस्टिंग है वो आपकी जुलाई 2023 तक आपकी जो है कंप्लीट जो है पोस्टिंग आपकी या ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था इसके अंदर आपको बताया था कि रोजगार मेला जो है इस बार आयोजित किया जाएगा 2023 के अंदर भी, जिसके अंदर आप लोगों को नियुक्ति पत्र यानी कि आपके ज्वाइनिंग लेटर्स आपको दिए जाएंगे। बाकी एकलव बैच को परचेज कर लेना, 12 महीने की यहाँ पर आपको यहाँ पर वैलिडिटी दी जाती है, और मेरे कोड को लगाना बिल्कुल भी मत भूलना EAP77, जिससे कि आपको बहुत सारा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप इनके एप्लीकेशन को डेली यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉइन्स भी मिल जाएंगे, जो कि आप आने वाले किसी भी बैच को परचेज करेंगे तो वहाँ पर आप आराम से रिडीम कर सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।